उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में प्रशासन की खुलेआम गुंडाई का मामला सामने आया है। यहां पत्रकार आमीन फरूखी बेवा सीएचसी पर न्यूज कवर करने गए थे। आरोप है कि इसी दौरान डुमरियागंज एसडीएम त्रिभुवन प्रसाद ने गुंडों द्वारा पत्रकार की मॉब लिंचिंग कराने की कोशिश की। किसी जिम्मेदार पद पर बैठे अफसर द्वारा अंजाम दी गई यह घटना अपने आप में मुख्यमंत्री योगी और उनके अफसरों की मंशा पर उंगली करती है। उत्तर प्रदेश सरकार खास करके भाजपा सरकार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि ये लोग पत्रकार को निष्पक्ष पत्रकारिता करने पर लगाम लगा रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत इस समय डुमरियागंज के पत्रकार आमीन फारूखी बने हैं। आमीन पर निष्पक्ष पत्रकारिता करने का आरोप लगाकर डुमरियागंज शासन प्रशासन द्वारा मॉब लिंचिंग करा देने तक के प्रयास का आरोप लग रहा है। और ये सच है तो पूरे तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया गया है, जो इस भाजपा सरकार में सर्वविदित है। वहीं पीपल्स अलायंस का कहना है कि निष्पक्ष पत्रकारिता करने पर शासन प्रशासन का रवैया चिंताजनक हो रहा है। डुमरियागंज एसडीएम द्वारा पत्रकार के साथ मॉब लिंचिंग जैसा बर्ताव पत्रकार जगत एवं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए भयावह है। पीपल अलायंस इस प्रकरण में तत्काल उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाए जाने की मांग करती है और एसडीएम के साथ जितने भी लोग वीडियो में मॉब लिंचिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, इन सभी पर अटेम्प्ट टू मर्डर और भी जितने सुसंगत धाराएं हैं उस पर उचित कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि आमीन फारूकी को लॉकडाउन में सच्चाई दिखाना और लिखना भारी पड़ गया। उनके साथ हुई मारपीट का यह वीडियो वायरल भी हो रहा है। पत्रकार आमीन फारूकी के साथ ये घटना सीएससी वेवा में खबर करने के दौरान हुई है, जिसमें कुछ लोग द्वारा उनसे मारपीट की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि उसी दौरान एसडीएम त्रिभुवन प्रसाद भी वहां मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में मारपिटाई हुई, जिसका यह वीडियो बताया जा रहा है। इसके अलावा पत्रकार आमीन फारूखी का आरोप है कि धमकी देने वाले ने जाते समय दोबारा फिर खबर चलाने पर जान से मारने की धमकी दी है। बकौल फारूखी, एक खबर के चलने से एसडीएम डुमरियागंज उससे पहले से ही नाराज चल रहे थे। एक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी वायरल हुआ है।